हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हैवी राजपूती पोशाक। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि ये सिलने से पहले किस तरीके की दिखाई देगी और सिलने के बाद ही किस तरीके की दिखाई देगी। ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है ड्रेस और इसका लहंगा भी बहुत हैवी है, तो मैं आपको दिखाऊँगी कि इसकी स्टिचिंग और कटिंग के कुछ टिप्स भी बताऊँगी, जिससे कि आपको ये पोशाक सिलने में आसानी होगी। देखिए फ्रेंड्स, ये लहंगा में इतना हैवी वर्क करा हुआ है कि यहाँ पर कहीं पे भी जगह नहीं दिख रही है सिलाई लगाने के लिए। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप इस तरीके के लहंगे की सिलाई आसानी से कर सकते हो। ये देखिए, इसमें हमें आड़ी लाइन लगानी होगी। हमेशा हम कलियों के ऊपर सिलाई लगाते हैं जो कली ज्वाइंट हुई होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी जगह नहीं है सिलाई लगाने के लिए। और देखिए, इसके ऊपर बॉर्डर बना हुआ है चौड़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो इस तरीके की पोशाक को लेकर तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। इसमें चार चार कली आती है, यानी कि टोटल 12 कली आती है, और ये 3 पीस में आता है लहंगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुर्ती का भाग है। कुर्ती की कटिंग हम अपने हिसाब से करते हैं, यानी कि हमारी जो फिटिंग होती है उस हिसाब से हमें कुर्ती की कटिंग करनी होती है। लेकिन हमें कुर्ती की चाक का भी ध्यान रखना होता है कि जितनी ये चाक बनी हुई है उतनी हमें कुर्ती कमर में से रखनी होगी, ठीक है। और ये कुर्ती के पीछे वाला भाग है, तो आप जब भी कटिंग करो तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि कुर्ती की जो चाक है उस हिसाब से आपको कटिंग करनी है। अगर आपकी जो बनी हुई चाक है उससे ज़्यादा है कमर का साइज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कम है तो भी हमें इतनी तो रखनी ही पड़ेगी। और ये इसके साथ मगजी का कपड़ा है। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको सिलने के बाद ये पोशाक किस तरीके की दिखेगी वो बता देती हूँ। देखिए लहंगा कितना सुंदर लग रहा है अस्तर लगने के बाद। इसमें देखिए जगह नहीं है कहीं पर भी सिलाई लगाने के लिए, तो हमने क्या करा है कि आड़ी लाइन लगाई है। ये जो देखिए इस तरीके से, आई होप आपको दिख रही होगी, ये देखिए 2-3 जगह पर हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। इस तरीके से 3 जगह पर सिलाई लगाई है। हमेशा हम गलियों के ऊपर सिलाई लगाते हैं, यानी कि खड़ी लाइन सिलाई लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने आड़ी सिलाई लगाई है। और ये कुर्ती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने अपने हिसाब से कुर्ती की कटिंग करनी है, तो देखिए हमने अपने हिसाब से कुर्ती की कटिंग करी थी और फिर इस कपड़े को उसके ऊपर अच्छे से सेट किया था। ये देखिए कुर्ती के पीछे वाली चाक है, और ये कुर्ती कमर में से थोड़ी ज़्यादा लूज थी तो हमने पीछे वाली साइड पर थोड़े प्लेट्स डाल दिए ताकि ये कुर्ती थोड़ी फिटिंग हो जाए। और ये कांसली की स्लीव्स पर हमने डिज़ाइन रखी है। इस तरीके से आपको ये ड्रेस बनानी है। अब अगर और भी आपको कोई प्रॉब्लम हो इस ड्रेस को लेकर तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।